देश भर में महंगाई का कहर लगातार जारी है और एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं और लगातार बढ़ती महंगाई पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम सड़क से संसद तक इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करते आए थे और करते रहेंगे। सरकार एक तरफ जनता को महंगाई से मार रही है तो वही दूसरी तरफ मीडिया को भी सच न दिखाने के लिए प्रताड़ित करती है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी। मैम, ये सिलेंडर पे नोटों की माला, इधर उपले और ये सिलेंडर पे सफेद चादर, देश में महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आप एक अनोखे तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये देश की सच्चाई है। देश में महिलाएं जिससे गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये उसकी सच्चाई है। हम सिर्फ ये सत्ता के सामने सच्चाई ला रहे हैं। गैस के दाम 1003, इसके चलते हमें गैस वापरना आम जनता को, आम महिला के घर पे बंद होगा। इस पे सफेद चादर का मतलब आप सब समझते हैं। इस गैस सिलेंडर का हत्यारा मोदी और उनका सरकार है, क्योंकि इस गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं कि दोबारा उपले पे आए। मैम, अगर बात करें बीते कुछ दिन पहले तो आपने फ्लाइट के अंदर जो स्मृति ईरानी है उनसे सवाल किए थे, तो क्या आप अभी भी इसके आगे भी कैबिनेट मंत्रियों से सवाल करेंगे, क्या ये आंदोलन और आगे लेके जाएंगे? देखो, ये सवाल जो है वो अकेले महिला कांग्रेस का या नेटा डिसूजा का नहीं है। ये सवाल हर उस महिला का है जो अपने घर चलाने में असक्षम हो रही है सिर्फ और सिर्फ बढ़ती दामों के चलते। ये सवाल हर उस महिला का है जो पीड़ित है, जो उनको मजबूर किया जा रहा है उपले पे अपना खाना बनाने, क्योंकि बढ़ते हुए दामों के चलते लकड़ी और उपलों के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से आम इंसान अपना रोजी रोटी बना सके, उपले और लकड़ियों पे जब महिलाएं दोबारा आएंगे तब उन्हीं के लिए, उन्हीं के हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधी जो वो है दोबारा शुरू होगा। मोदी और उनके सरकार को जगने की ज़रूरत है अब, और बहुत गुमराह किया है लोगों को। अब असलियत का सामना करें और अगर वो लोगों के, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर का दाम कम ना कर सके तो सत्ता छोड़ें। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, ना सिर्फ महिला कांग्रेस बल्कि पूरी कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक महंगाई के खिलाफ आवाज उठाती हुई है, लेकिन ये मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से जनता के बीच नहीं पहुंच पाता है। देखिए, जब हम संसद के सामने थे, संसद घेर दिया था हम लोगों ने, जब हम रिसेप्शन के सामने थे तब वहां से एक मैसेज बाहर से आ गया था। जब मीडिया कवर कर रहे थे तब मीडिया के कैमरास को स्विच ऑफ किया गया। तो सच्चाई ये है कि ये सरकार जो दिखाना चाहती है वही दिखाते हैं, और जब जब कोई मीडिया चैनल उनके गलत व्यवहारों को, उन देश पे जिस तरीके से वो अत्याचार कर रहे, बढ़ते दामों को ही लेके क्यों नहीं हो, तब तक उन मीडिया चैनल्स पे जो प्रेशर आती है वो किसी से छुपा नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा हमसे यहाँ बात कर रही है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, एनटीवी, दिल्ली।